हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे गुरु महाराज का नाम हो, कोई दाग धब्बा गुरु महाराज पर ना लग सके, क्योंकि गुरु महाराज बेदाग होकर के 116 वर्ष की आयु तक रहे, कोई दाग धब्बा नहीं लग पाया। हमारे आपके लोगों की वजह से कोई दाग धब्बा यदि लग गया तो प्रेमी भाई बहनों, अरे हमको आपको कौन जानता, हम लोग गुरु महाराज की वजह से जाने जाते कि देखो ये बाबा जी के शिष्य हैं। अगर हम लोग किसी वजह से कोई दाग धब्बा लगता है, ये दाग धब्बा आप पर नहीं, ये गुरु महाराज पर लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा कोई काम मत करिएगा, बेदाग होकर के रहिए। ये परमार्थ के रास्ते पर आप लोग सावधानी से चलिएगा, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार का। अरे सबसे प्रेम करो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, आप तो साधु लोग हो, आपका काम है सबसे प्रेम करना। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो आप सबसे प्रेम करो, एक तराजू पर सबको तौलिएगा, किसी को कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबको एक तराजू पर तौलो, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा है और ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। अगर हम किसी की निंदा करते, यदि हम किसी की आलोचना करते हैं, इसका मतलब है कि हम उस मालिक की निंदा करते। बड़ा भारी प्रेमी भाई बहनों, इसका आपको नहीं मालूम, इसलिए आप सभी लोग किसी की कोई निंदा चुगली या आलोचना मत करना, सबसे प्रेम करो। दीन हीन बनकर के रहो, छोटे से छोटा बनकर के रहो, जो सेवा आपको मिल जाए वो सेवा दरबार में करते रहो, वही लेखे जोखे में लिखी जाएगी। और अपना एक लक्ष्य बना करके रखो कि हमको भजन करना है, हमको ध्यान करना, हमको सुमरण करना, गुरु महाराज की वचन वाणियों को हमको जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए आप लोग इस काम को करिएगा, गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए और गांव गांव में गुरु महाराज की पुस्तकें पहुंच जाएं, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए, गांव गांव में सत्संग वचन वाणियां गूंजने लग जाएं। इस अभियान को आपको जोर से तेजी से देना, तो आप लोग इस अभियान को चलाइएगा और गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी, एक समय ऐसा आप लोग देखिएगा, वो समय आ रहा धीरे धीरे, ये संगत रूपी समुद्र, ये महासमुद्र का रूप बनेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए आप सभी को उठ खड़े होना है, गुरु महाराज के संदेशों को गाना है, तो आप लोग इस काम को करिएगा, भजन ध्यान सुमरण आप लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो, तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहने बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना।